हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल 5 के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप सभी मेरे साथ हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डीसी मशीन्स के पहले लेक्चर में हैं। और हाँ, अगर आपने डीसी मशीन्स का प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा होगा, जहाँ पे मैंने एक इंट्रो दिया हुआ इस पूरे मॉड्यूल के बारे में, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ एक पूरा सिलेबस ओवरव्यू कि कैसा सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आपको, किस टाइप का कंटेंट आने वाला है, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप जाइए और जल्दी से उस वीडियो को देखिए, सो दैट कि आपके माइंड में बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि हम पूरे सीक्वेंस में जाने वाले हैं। सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको लाइन अप होके मिलने वाली है, तो आपको उस रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है और इस चीज़ के लिए आपको वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया है, मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। ये पर्टिकुलर सेशन होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन्स। इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, मैं ये समझता हूँ कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये इंट्रोडक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधे हम न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं या सीधे टाइप ऑफ डीसी मशीन्स में चले जाते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक वर्किंग ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता दूँ कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में उसके बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से जानना नहीं शुरू करते हो, तब तक आप उसके हायर लेवल को उतने अच्छे से समझ पाओ उसकी चांसेस बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम। देखो, जो सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका रीज़न ही यही है कि मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आएगी कि सर इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप स्किप कर सकते हो कुछ मिनट्स और आप उस पॉइंट पर जाके देख सकते हो अपने काम के कंटेंट। बट मेरा ये मानना है कि आप मेरे साथ ही बने रहिए और इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखिए, सो दैट कि वो जो एक कनेक्टिविटी आपकी डेवलप होगी ना इसके थ्रू, दैट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट विल बी बियॉन्ड दैट लेवल। और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से आप ग्रास कर पाओ, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ जाए, आप एक ही बार उस वीडियो को देखो और आपको वो कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाए। और मेरा मोटिव भी वही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आगे क्या क्या मिलने वाला है आपको, क्या कंटेंट्स होने वाला है इस वीडियो के, तो क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन सेशन में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मशीन्स, जो मशीन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट है इनका, इसके बारे में थोड़ा सा डिवीजन हम देखेंगे। इसके बाद हम फोकस करेंगे डीसी मशीन्स के ऊपर कि डीसी मशीन्स में कौन कौन सी मशीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या वेरिएशन होने वाले हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्यों इनको प्रिफर किया जाता है, इनके एडवांटेजेस और इनके एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ आने वाला है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग कि इस पोर्शन में, इंट्रोडक्शन पोर्शन में मशीन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्विकली आपको लेके आता हूं मशीन पे। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि मशीन होता क्या है, व्हाट इज अ मशीन। एक जनरलाइज फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ मशीन, तो आप यही बोलोगे कि मशीन कोई ऐसी डिवाइस होगी, कोई ऐसी चीज होगी जो हमारा एफर्ट रिड्यूस कर देती होगी और हमारा कुछ बोझ अपने ऊपर ले लेती होगी, कुछ हमारा वर्क खुद कर लेती होगी, दैट शुड बी अ मशीन, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल आप दे सकते हो, बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, अभी कोई टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं है ये, इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। अगर मैं आपको बोलूं जैसे वॉशिंग मशीन, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन, जो कपड़े वॉश करने का जो जिम्मा है वो खुद उठा लेती है ना। और भी बहुत टाइप की सब मशीन्स होती है, डिश वॉशिंग मशीन्स, एनी अदर काइंड ऑफ मशीन, बहुत सारी टाइप की वैरायटी की मशीन होती है। लेकिन अब उस जनरलाइज स्टेटमेंट को अगर मैं एक टेक्निकल स्टेटमेंट पर लेके आऊँ, एंड बींग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड सिंस दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो अब मशीन को मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मशीन मुझे ये तो समझ में आ गया कि हमारा वर्क जो है उसको कुछ कम कर ले और अपने आप उस चीज़ को कंप्लीट कर ले, हमारा एफर्ट रिड्यूस करके अपना उस वर्क को अकम्प्लिश करे, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। अब वो कैसा भी हो सकता है, तो मशीन को मेजरली फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मशीन को मैं बोल सकता हूँ कि एक हो सकता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्टैटिक मशीन, ठीक है, वन कैन बी ए स्टैटिक मशीन, या आर ई एम, दैट इज
रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, या तो फिर हो गया लीनियर, लीनियरली ऑपरेटिंग मशीन। तो मेजरली अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मशीन भी आपको ऐसे तीन वैरायटी में दिख सकती है, ठीक है। मशीन कौन कौन सी तीन वैरायटी में हो सकती है, या तो स्टैटिक ऑपरेशन मशीन हो सकता है, स्टैटिकली जो ऑपरेट करे। स्टैटिक ऑपरेटिंग मशीन बोलने का मतलब है कि जिसका ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन उसको उसकी जगह पे आप स्टेशनरी रहने दोगे और वो वहीं रह के ऑपरेट करेगी, आपको आउटपुट देगी। जैसे आप ट्रांसफार्मर की बात कर लो, ठीक है, ट्रांसफार्मर सर्किट से उठ के कहीं नहीं जाता है, वो अपनी जगह पे रहता है, अपनी सर्किट पे रहता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो आपको आउटपुट देता रहता है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मूविंग पार्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट होता है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसके बारे में ही ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है। तो प्राइमरीली हम लोग तो इसी पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ फोकस जो है, दैट इज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ऐसी मशीन जो कि आपको अपना आउटपुट एक रोटेशन के फॉर्म में वर्क करने के बाद प्रोवाइड कर पाती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट काइंड ऑफ मशीन्स आर नोन एज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। ये सारी मशीनें जो होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे, ठीक। देन नेक्स्ट इज लीनियर ऑपरेटिंग मशीन, जिनका कुछ लीनियर मोशन होता होगा जिसके बेसिस पे ये लोग अपना आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो दिस वाज द मेजर, मतलब वो जो जनरलाइज स्टेटमेंट मैंने दिया था उस जनरलाइज स्टेटमेंट में से टेक्निकल फॉर्म में ऐसा मेजर क्लासिफिकेशन बनता है। इस मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो बोल सकते हैं हम लोग कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। भाई इसको मेजरली चलो मैं दो ही पार्ट में डिवाइड करता हूं, कि वन ऑफ द पार्ट कैन बी मोटर एंड द अदर पार्ट विल बी जेनरेटर। मैं प्राइमरीली फोकस कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, इलेक्ट्रिकल्स पे। तो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो लिखा ही हुआ है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, तो उसमें मैं जनरलाइज कर सकता हूं इसको एज अ मोटर एंड जनरेटर। ये दो ही बेसिक टाइप की मशीन्स के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। मोटर क्या होता है भाई, बिल्कुल बेसिक सा थिंग है, बहुत स्कूल लेवल से एलिमेंट्री लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। कि देखो पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सारी की सारी जो मशीनें होती हैं ये किस पे वर्क करती हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये इनका बेसिक वर्किंग होता है, ठीक है। फिर अब ये किसके प्रिंसिपल पे काम कर रही है वो सब बात की बात है, वो सब आगे चल के देखेंगे जब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी एक मेन जो फंडा है, जो मेन इनका बेस है वर्किंग का, कि ये वर्क कैसे कर रही है, तो दैट बेस इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। मतलब या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या मैकेनिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसका सिंपल वर्ड्स में यही मीनिंग होता है, ठीक। एनर्जी को इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, या मैकेनिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो, तो दैट बिकम्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यहां पे मैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं, तो दिस बिकम्स अ डीसी मोटर। अगर मेरी कोई रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो दैट इज नोन एज डीसी मोटर, ठीक है। और मैं इस चीज को स्पेसिफाई भी ना करूं तो अच्छा होगा कि डीसी भी ना बोलूं मैं, दैट इज जस्ट नोन एज मोटर। वो डीसी भी बोलना सही नहीं है, वो तो बात की बात है कि वो आप किस टाइप के पावर सप्लाई पे उसको वर्क करा रहे हो। तो दैट टाइप ऑफ मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कैन बी टर्म्ड एज मोटर, सिर्फ मोटर, ठीक है। जनरेटर का क्या प्रिंसिपल हो सकता है, तो भाई जनरेटर का क्या सिस्टम है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल अगर हो रहा है एनर्जी का कन्वर्जन, तो जो डिवाइस ऐसा कन्वर्जन कर रही है दैट इज टर्म्ड एज जनरेटर, जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल अगर कन्वर्जन हो रहा है तो दिस इज अ मोटर। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, स्कूल लेवल से पता है ये सारी चीजें, ठीक है, ये तो आप जानते हो। अब इनको अगर आप ये सोचो कि मशीन्स में थोड़ा सा और ज्यादा जनरलाइज करते हैं, चलो ये तो सर हमको पता है मोटर और जनरेटर, ये बेसिक चीजें भी हम समझ गए, ये तो हमको पता थी पहले से, अब और क्या करना है? तो अब इनके अंदर भी क्या कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। कोई भी एक मोटर अगर है तो वो भी दो टाइप का हो सकता है, एसी या डीसी। कोई भी जनरेटर है वो भी दो टाइप में क्लासिफाई हो सकता है, एसी या डीसी। अब ये एसी डीसी क्या चीज है, तो ये तो पता होगा आपको, या नहीं पता होगा तो मेरा मॉड्यूल 1 और 2 देख लीजिए जल्दी से, उसमें आपको एसी और डीसी क्या क्या चीजें होती हैं क्लियर पता चल जाएगा। यहां मैं क्विकली आपको बता दूं अल्टरनेटिंग करंट, कि ये अल्टरनेटिंग करंट और ये हो गया डायरेक्ट करंट, ये हो गया डायरेक्ट करंट सिस्टम। तो ये जो मैं करंट की बात कर रहा हूं, दिस इज अबाउट द पावर सप्लाई, अबाउट द सोर्स, ठीक है। ये टाइप ऑफ सोर्स के हिसाब से हमने ये बेसिक क्लासिफिकेशन यहां पे रखा हुआ है। इनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और ज्यादा वैरायटी हो जाती है, फिर इनके टाइप ऑफ वाइंडिंग्स के हिसाब से, इनके केजिंग सिस्टम के हिसाब से बहुत सारे टाइप की वैरायटीज होती जाती है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट बेसिकली अगर मैं इनका जो बाइफरकेशन करूं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सप्लाई, तो मैं इनको एसी और डीसी मशीन्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। ये कुछ ऐसी मशीन है जो अल्टरनेटिंग सप्लाई, कुछ ऐसा मोटर जो अल्टरनेटिंग सप्लाई इनपुट पे काम करता होगा, और कोई ऐसा मोटर जो डायरेक्ट करंट इनपुट पे काम करता होगा। वैसे ही कोई जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट प्रोवाइड करता होगा, और कोई मोटर कोई जनरेटर जो डायरेक्ट करंट का आउटपुट प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। ये इनका मेजर क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके अंदर भी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है डीसी मशीन्स। तो अब आई होप कि इस लास्ट पॉइंट पे आपको समझ में आया होगा कि डीसी मशीन्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीजों के बारे में बात करने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीजें दिखने वाली है आपको, ये सारा कुछ बेसिक था इसका, ठीक है। तो डीसी मशीन्स पे अब हम पहुंच गए। अब डीसी मशीन में देखो हमारे पास किस किस टाइप की मशीनें मिलने वाली हैं। तो भाई डीसी मशीन में हमारे पास जो मशीनें आने वाली हैं, अब वो मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ मोटर और जनरेटर दोनों के लिए, कि ये मशीनें जो होंगी वो बेसिकली मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूँ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइंडिंग। अब एसी और डीसी का चक्कर खत्म हो गया, अब तो हम डीसी पे पहुंच चुके हैं सीधे। अब डीसी मशीन्स के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि वाइंडिंग के हिसाब से एक होती है, चलो वाइंडिंग से भी पहले एक और बाइफरकेशन आपको मैं बता दूं, फिर वाइंडिंग पे लेके जाता हूं। इनका एक डिवीजन अभी और है, एक होती है सेल्फ एक्साइटेड मशीन, ठीक है। ये सब कुछ अभी डीसी मशीन्स के अंदर ही देख रहे हैं, मोटर जनरेटर सब इसके अंदर जनरलाइज्ड है। दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, और तीसरा होता है परमानेंट मैग्नेट मशीन, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट मशीन, ये 3 इसका मेजर क्लासिफिकेशन है। आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। डीसी मशीन्स में चाहे वो मोटर हो जनरेटर हो, खासतौर पे ये मोटर के लिए भी ये चीजें वर्क करती है, अगर सेपरेटली एक्साइटेड में अगर बोलूं तो उसके लिए भी ये चीजें वर्क करती है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती है जिसको कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इनको रन करने के लिए, इनका इनबिल्ट सिस्टम ही काफी होता है, ये अपने ही खुद के इनहेरेंट सिस्टम का यूज करके रन कर सकती हैं, चाहे वो मोटरिंग ऑपरेशन हो या जनरेटिंग ऑपरेशन हो।
दूसरी होती है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स, जो कि कोई एक्सटर्नल सिस्टम पे रिलाई करती हैं। आपको एक एक्सटर्नल एक्साइटेशन सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, हो सकता है कि आपको कोई एक्सटर्नल कपलिंग प्रोवाइड करनी हो इनके अंदर, जो इनके रोटर शाफ्ट को एक्साइट करने में हेल्प करे, जो कुछ एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इनका हेल्प करे। एक्सटर्नल सिस्टम कुछ भी किसी भी तरीके का हो सकता है, बहुत सारी वैरायटीज होती है उसके अंदर। और लास्ट होता है परमानेंट मैग्नेट मशीन। परमानेंट मैग्नेट मशीन के अंदर आप पोल सेक्शंस को परमानेंट मैग्नेट का डिज़ाइन कर लेते हैं, उससे कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि आपका एक कांस्टेंट सोर्स बना हुआ रहता है वहाँ पे, आपको सिर्फ जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो रोटर सेक्शन को ही प्रोवाइड करनी है, या मे बी आप रोटर को आपने मैग्नेट से बना लिया परमानेंट मैग्नेट से, तो आपको सिर्फ स्टेटर सेक्शन को ही फील्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और उतने से आपका काम बन जाता है। एक रेटेड आउटपुट आप बता सकते हैं कि इतना आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक। लेकिन इस टाइप की मशीनों में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि आप उनकी फील्ड की जो डेंसिटी है उसको बदल नहीं सकते हो, फील्ड की इंटेंसिटी को आप अल्टर नहीं कर सकते हो, और ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप मतलब उसकी स्पीड को वेरी करना थोड़ा टफ होना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं जो मेजरली आपसे बात करने वाला हूँ जिस पोर्शन के बारे में, और क्योंकि उस पोर्शन के बारे में इसलिए भी मैं आगे डिस्कस करूँगा क्योंकि उस पोर्शन का वेटेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या गेट हो या आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सेक्शन में मैं आपसे बात करूँगा सीधे अबाउट सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। ये हमारा प्राइम फोकस रहने वाला है अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। हम बात करेंगे सीधे सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स के बारे में। तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है भाई? देखो, सेल्फ एक्साइटेड मशीन के अंदर क्या क्या वैरायटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वाइंडिंग्स, मेरे पास हो सकता है सीरीज वाउंड मशीन, सीरीज वाउंड मशीन, या फिर मेरे पास हो सकता है शंट वाउंड मशीन, डिपेंडिंग अपॉन वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग भी किस पे डिपेंड करती है कि मेरा एप्लीकेशन क्या होने वाला है, मैं कैसी जगह पे इन मशीनों को यूज़ करने वाला हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। इंस्टेंटली मुझको हाई स्पीड चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो फैक्टर के हिसाब से ये वाइंडिंग का टाइप भी बदलता जाता है, जिसके हिसाब से हम वैसे ही मशीन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। शंट वाउंड मशीन, और एक हो गया कंपाउंड वाउंड मशीन, ठीक है। जब मैं मशीन्स बोल रहा हूं तो मतलब मैं मोटर और जनरेटर दोनों की बात कर रहा हूं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन होता है सेल्फ एक्साइटेड के अंदर। तो अब आप देखते जा रहे हो कि क्लासिफिकेशन कहां जाते जा रहा है, वो जो ब्रांच ट्री हमारा बनते जा रहा था वो कहां मशीन से शुरू हुआ था और अभी हम कहां पे पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं, सेल्फ एक्साइटेड मशीन में हम लोग आ गए सीरीज वाउंड वाइंडिंग जो होगी सिस्टम की, जो फील्ड वाइंडिंग है, हो सकता है सीरीज में वाउंडेड हो सकता है शंट में हो, और या हो सकता है कंपाउंड में हो। कंपाउंड के अंदर भी फिर डिफरेंशियल कंपाउंड भी आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कंपाउंड को भी इन जनरल अगर मैं बताऊं आपको तो कंपाउंड वाइंडिंग वाला जो पोर्शन है इसका भी थोड़ा एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं, दैट इज लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड द अदर वन, जो दूसरा वाला जो होता है पोर्शन, दैट इज शॉर्ट शंट कंपाउंड। लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड मशीन एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड मशीन, ठीक है। तो ये जो मेजर क्लासिफिकेशन है, अब इसके आगे मैं और ज़्यादा क्लासिफिकेशन पर नहीं लेके जाऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आप पूरा इतना सारा क्लासिफिकेशन बता दिया, इसमें से क्या पढ़ें, क्या रखें और क्या भूलें। तो देखो, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं स्किप कर देता इस पार्ट को। मेरे लिए आपको इस पॉइंट से, यहाँ से, इस जगह से उठा के और यहाँ तक लाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के समय समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, वो स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रह जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, किस लिमिट तक चीज़ें जा सकती हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो हम अभी पहुँच गए इन वैराइटीज़ पे, ये मेजर वैराइटी है जो आपका प्राइम फोकस रहने वाला है।
यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। इतना पोर्शन जो है आपका खास फोकस पे है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर न्यूमेरिकल बनाने वाले हो। आपके न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि देर इज़ अ लॉन्ग शंट कंपाउंड वॉन्ड डीसी जनरेटर, जिसके अंदर की समथिंग सम क्वांटिटीज विल बी गिवन, और उसके बेसिस पे आपको कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ, ये बाइफरकेशन आपको पता होना चाहिए। ये थी हमारी टाइप ऑफ मशीन्स कि कितने टाइप की मशीन आपको मिलने वाली है इस सिस्टम के अंदर देखने को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई चलो मशीन क्या हो गया, आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ अ मशीन। फिर डीसी मशीन्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, डीसी मशीन्स में क्या क्या मिलने वाला है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि डीसी मशीन्स के अंदर किस किस टाइप के, कैसे एक्साइटेशन वाले, कैसे वाइंडिंग वाले मशीन्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो एडवांटेज एंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, आपके माइंड में ये एक चीज आएगी कि एसी मशीन, जहां पे हम बाइफरकेशन देख रहे थे वहां पे एसी मशीन और डीसी मशीन पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, हम सीधे चले गए डीसी मशीन पे। और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न भी वही है, हमारा चैप्टर भी वही है, हमको पढ़ना भी उसी के बारे में है, ठीक है। आगे चल के इन फ्यूचर हम एसी मशीन्स के बारे में भी वीडियोस रखेंगे, उस पर भी पढ़ेंगे, जब आगे लाइव सेशंस में मैं आऊँगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ हमको डीसी मशीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एसी मशीन। इन जनरल इन योर डे टू डे लाइफ आपको एसी मशीन्स बहुत सारे एप्लीकेशंस में दिखते होंगे, लेकिन उसी के साथ कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे डीसी मशीन का भी अपना एडवांटेज है, अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो डीसी मशीन के बारे में अगर बात करूँ, डीसी मशीन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनका एडवांटेज क्या क्या होता है, क्या बेसिक क्या खासियत होती है इनकी कि इनको प्रेफर किया जाए। तो अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं, डीसी मोटर की मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी जो खासियत होती है डीसी मोटर की, ये इसकी जो खासियत होती है दैट इज एट लोअर स्पीड इट कैन प्रोवाइड हायर टॉर्क। कम स्पीड पे ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करना इसके लिए बहुत एडवांटेजेस थिंग होता है। इसका कहाँ यूज़ हो सकता है इस क्वालिटी का, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसका ठीक इसी का उल्टा भी एक और पोर्शन होता है कि एट हायर स्पीड, देखो स्पीड टू टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ना बहुत मायने रखती है। अगर आपकी मशीन रोटेटिंग टाइप की है, आप उसकी रोटेशनल एनर्जी का यूज़ करने वाले हो, तो बहुत मायने रखता है कि उसका स्पीड टू टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। और डीसी मशीन में ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होती है एट सर्टन काइंड ऑफ यूजेस। कुछ ऐसे हमारे यूज़ होते हैं जहां हमको इन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हायर स्पीड पे, एट हायर स्पीड इट प्रोवाइड्स या इट कैन प्रोवाइड लोअर टॉर्क, ठीक है। ये इसका बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। इसकी एडवांटेजेस तो बहुत सारी है, मैं आपको पूरा एक हो सकेगा तो मैं एक पीडीएफ जैसा भी शेयर कर दूंगा इसके साथ, जहां आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। बट इन जनरल आपको जो अभी पता होना चाहिए यहां पे, अभी जब हम आगे प्रोसीड करने वाले इस चैप्टर में, तो आपको ये इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। डिज़ाइन इनका बिल्कुल सिंपल टू डिज़ाइन होता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती है, बहुत सारा एडिशनल पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको रन कराने के लिए, आपको बहुत एडिशनल कोई ड्राइवर्स और ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, है ना। ड्राइव्स वगैरह के लिए भी आपको उतना इशू नहीं जाता है। डिज़ाइन वाइज बिल्कुल लाइट वेट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो सकती है इनका। वर्क करते हैं डीसी पावर पे, तो बहुत हायर पावर रेंज की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। लोअर स्पीड पे हायर टॉर्क, इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप? तो चलो मैं आपको इसके एडवांटेज तो बता ही रहा हूँ, मैं साथ ही साथ आपको इसके एप्लीकेशन पे भी लेके चलता हूँ। तो इसका एप्लीकेशन पोर्शन चलो जल्दी से देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन था। तो इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं ज़रा। देखो आपके सामने जो स्क्रीन पे है, दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ अ डीसी मशीन, या मैं बोल दूँ एकदम क्लियर कर दूँ कि डीसी मोटर की मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक।
क्या क्या एडवांटेजेस हैं चलो देखें जरा। डीसी मोटर के एडवांटेजेस खास तौर पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लोअर्स। ब्लोअर्स पता होगा आपको, हाई स्पीड में अगर आपको एयर की ज़रूरत है कहीं पे, एयर आपको अगर सिस्टम में चैनलाइज करना है, भेजना है ना, तो वो जो ड्रिफ्ट क्रिएट करने के लिए आपको जो आपको एक ऐसा मशीन चाहिए, एक ऐसा मोटर चाहिए जो सडनली अपने हाई स्पीड पर पहुँच जाए, ठीक है, जिसका कि स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल प्रोपल्सिव होना चाहिए, एकदम तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क। तो हमको ये एक चीज़ चाहिए कि अगर लोअर स्पीड है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिल जाए, सडनली वो एक रश ऑफ एयर जो है वो वहाँ पे भेज सके और आपको एक प्रॉपर सडन आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये काम डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर ये बहुत अच्छे से कर लेता है, ये इसकी खासियत का ही ये यूज़ होता है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल, आप सभी इससे फैमिलियर हो, कौन नहीं फैमिलियर होगा, मतलब अगर आप अभी के जनरेशन के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता ही होंगी कि ये क्या रखा हुआ है। देखो इसमें आपको दो चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल रखा हुआ है, ये फोटो मैंने इसी रीज़न सेलेक्ट किया है। इसमें दो चीज़ें, एक तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे हम कैसे डीसी मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ आरसी ड्रोन, रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स जो होते हैं हमारे, ये आरसी ड्रोन्स जो होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि देखो एक तो आप इनके अंदर हाई आरपीएम, हाई स्पीड वाले मोटर्स यूज़ कर रहे हो, जिनको कि हम बोलते हैं, कौन से मोटर्स हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर्स हैं, जिसको कि यूजुअली BLDC भी बोला जाता है, ब्रशलेस मोटर्स होते हैं, ब्रश का सिस्टम ही हटा देते हैं, फ्रिक्शन का पोर्शन ख़त्म, यहाँ से आपकी स्पीड जो होती है वो एक 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 बेसिक मैं रेंज बोलूँ तो ऑलमोस्ट इनकी स्पीड रेंज जो होती है वो वेरी करती है ऑलमोस्ट 15,000 RPM के अप्रॉक्स, 15,000 RPM, उससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है, प्लस माइनस भी है, बट इन जनरल एक एवरेज स्पीड अगर मैं बताऊं तो 15,000 RPM के आसपास की स्पीड आपको मिलती है BLDC मोटर्स के अंदर, फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर द ड्रोन्स। दूसरा कारण है इस फोटो को सेलेक्ट करने का कि आप इसको देख सकते हो कि इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ पाम, एक पाम के ऊपर प्लेस्ड ड्रोन है, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना मिनिएचर साइज में इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये पॉसिबल तभी हुआ है, आप एक इंडक्शन मोटर के साथ ऐसा डिज़ाइन करो बहुत टफ टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हो, लेकिन एक डीसी मोटर के साथ आप ऐसा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसा डिज़ाइन बिल्कुल बना सकते हो और ये पूरा फंक्शनल भी रहेगा, ठीक है। तो डीसी मोटर्स की ये बहुत बड़ी एक कैपेबिलिटी होती है जिसका यूज़ होता है ड्रोन्स डिज़ाइन करने में। आप देख सकते हो कितने मिनिएचर साइज ड्रोन्स अब मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ड्रोन्स के साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा, जो कि ड्रोन्स नहीं बोलना चाहिए, जो डीसी मोटर के बारे में बोलना चाहिए, कि अगर डिसएडवांटेज पार्ट में मैं जाऊं तो आपको भी पता होगा कि ड्रोन्स का यूज़ हम बहुत लॉन्गर पीरियड्स के लिए नहीं कर सकते हैं, मोटर का हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन पे, ठीक है। और भी इसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो डीसी मोटर्स पे, ऐसे हाई आरपीएम वाले डीसी मोटर्स पे खास तौर पे हमको देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अदर वन इज़ द एग्जांपल ऑफ एलिवेटर्स, एलिवेटर्स लिफ्ट्स तो आपको पता होगा, ये जो मशीन लगी हुई है डीसी मोटर का सिस्टम है, लिफ्ट की बेल्ट पुली सिस्टम है जिसको वो ड्राइव कर रही है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, इसके अंदर भी हम डीसी मोटर्स का यूज़ करते हैं। देखो डीसी मोटर्स का इसमें यूज़ करने का रीज़न क्या है, डीसी मोटर का यूज़ हम ऐसी किसी भी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट टॉर्क की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे जिस भी जगह पे आपको ऐसी चीज़ों का एप्लीकेशन का नीड है वहाँ पे आप डीसी मोटर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो। आप चाहे क्रेन्स डिज़ाइन कर लो, क्रेन में देख लो आप, या आपको ऐसे एलिवेटर्स पे देख लो जहाँ पे एक फिक्स और कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी जगहों पे आप इन मोटर्स को डिज़ाइन करके इन मोटर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो एलिवेटर्स के अंदर भी बहुत यूज़ होते हैं डीसी मोटर्स। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशंस भी, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो डेफिनेटली आपको ये पता ही होना चाहिए कि ये रोबोटिक सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर भी डीसी मोटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भाई रोबोटिक सिस्टम अगर है, जैसे आप रोबोटिक आर्म डिज़ाइन करते हो, अगर आप कोई भी सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हो, कोई भी किस भी टाइप का स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हो, तो वो सब पूरे डीसी बेस्ड ही होते हैं, सब डीसी मोटर्स हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 volt, 12 volt, इतने सप्लाई रेंज के अंदर 24 volt मैक्स टू मैक्स फॉर दीज व्हील्स, इन सब को आपको डिज़ाइन करने के लिए ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आप इसी के अंदर ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो प्रॉपरली, बिल्कुल कंट्रोल्ड ऑपरेशन मिलता है आपको डीसी के अंदर। डेफिनेट थिंग है कि डीसी के अंदर कंट्रोलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एसी वंस, ठीक। एसी में आपको कुछ एडिशनल सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, एडिशनल ड्राइव्स एंड मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ेगी, डीसी में आप डायरेक्टली सीधे सीधे आप कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हो। कपलिंग में मोर देन वन मोटर्स का यूज़ करके आप और बेटर इंप्रूव कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो कंट्रोलेबिलिटी को, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये देखो जो हमारा रोबोटिक्स पोर्शन है,
ये जो रोबोटिक्स है, आप देख सकते हो रोबोटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा डीसी मोटर्स का ही यूज़ होता है। बहुत रेयरली आप देखोगे कि एसी मोटर्स का यूज़ हो, जो मेजर जो हैवी रोबोट्स को ड्राइव करने के ऑपरेशंस होते हैं डेफिनेटली उसमें एसी मोटर्स का भी यूज़ होता होगा, लेकिन इनमें फिलहाल आप देख सकते हो जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं रोबोटिक्स के अंदर, चाहे वो रोबोटिक आर्म का मूवमेंट हो गया या रोबोटिक और भी किसी कंटेंट का, रोबोटिक क्रेन्स हो गई, इन सब के अंदर डीसी मोटर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग है, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग आवर इंडिया ये सब एम्प्लॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में मोर इम्पॉर्टेंटली लोकोमोटिव्स दैट टू इलेक्ट्रिक, तो इसके अंदर डीसी मोटर्स का यूज़ होना तो बिल्कुल एकदम लेजिटिमेट है कि इसको यूज़ करना ही है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि देखो जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया हुआ था, ये बोर्ड पे जाओ आप देखो, लोअर स्पीड में ये हायर टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, और हायर स्पीड पे अगर आपको कंट्रोलिंग एक्शन चाहिए तो आप सेकंड वाले पॉइंट पे जाओगे कि हायर स्पीड पे आपको लोअर टॉर्क को रिड्यूस करना है, भले स्पीड हाई है सडनली आपको टॉर्क को रिड्यूस करना है, वो भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो इन केस ऑफ डीसी मोटर्स। यही रीज़न होता है कि ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं इन केस ऑफ लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में जब आपको हायर टॉर्क की जरूरत पड़ती है कम स्पीड पे भी, तो वो डीसी मोटर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये हो गए इनके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ डीसी मोटर्स का यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे, चाहे वो आपके वैक्यूम्स हो, चाहे और भी अलग अलग चीज़ें हों, वॉशर्स हों, बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ करते हुए देखोगे डीसी मोटर्स एंड डीसी जनरेटर्स को। और डीसी जनरेटर की भी अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो यूज़ ऑफ डीसी जनरेटर भी होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सर हमारे रेगुलर जो डेली लाइफ है उसमें तो हमको एसी जनरेशन की नीड होती है, तो फिर ये डीसी जनरेटर कौन यूज़ करता होगा, कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती होगी? तो देखो डीसी जनरेटर की जो रिक्वायरमेंट है, डीसी जनरेटर के बारे में भी कुछ बता दूँ। डीसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और वो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होती है वो डायरेक्ट करंट नेचर की होती है, डायरेक्ट करंट आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकता है। एक डीसी जनरेटर जो होता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो देखो इसका मेजर यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अगर आपने पढ़ा होगा इसको फिजिक्स में तो आपको पता होगा ये चीज़, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे ज़्यादा हम डीसी जनरेटर का ही यूज़ करते हैं, वहाँ डीसी सप्लाई की सबसे ज़्यादा नीड होती है। या मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक आर्क बनाने के लिए भी आपको डीसी मोटर सप्लाईज की ही डीसी जनरेटर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। या मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी आपको डीसी मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखना आप वेल्डिंग वाले सिस्टम के साथ भी डीसी मोटर्स डीसी जनरेटर्स की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डीसी सप्लाई की ज़रूरत इसलिए भी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो डीसी सप्लाई होता है वो कांस्टेंट इन नेचर होता है, वेरिंग नहीं होता है। अगर वेरिंग नहीं होता है तो आपको कांस्टेंटली उतनी हाई पोटेंशियल की जो सप्लाई है वो आउटपुट में मिल सकती है, और उसके हेल्प से आप बहुत ज़्यादा हीट जो है वो डिसिपेट करवा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रजिस्टर दैट यू आर एम्प्लॉइंग इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो डीसी मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में आप देख सकते हो कि अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो पॉइंट्स हम लोगों ने रखा हुआ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि कैसे डीसी मोटर और जनरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एसी से कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा कि क्यों इनको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और किस टाइप की फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस में डीसी मोटर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और डीसी जनरेटर्स का भी, साथ ही साथ इनका एडवांटेज और एप्लीकेशन हम लोगों ने समझाया हुआ है इसके अंदर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ एक बेसिक आइडिया लगा होगा, कुछ एक बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी कि डीसी मोटर एंड जनरेटर का कैसे यूज़ होना है, कहाँ यूज़ होना है और कितने इनके टाइप्स होने वाली है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट होता है इसी के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे उसके बिल्कुल बेसिक पे, ठीक है, बेसिक यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइंग सेशन होने वाला है आगे भी, जल्दी मिलते हैं इन आवर सेकेंड वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।